हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो अपनी 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम राजस्थान जी के से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो लेके आ रहे हैं, तो उसका आज अगला पार्ट में लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अंत तक ज़रूर देखें। इस सीरीज़ में आपको राजस्थान जी के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगी आए हुए हैं और आगे की एग्जाम में भी आने की जो संभावना है बिल्कुल। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको नीचे कथन दे रखे हैं इनमें से आपको सही को पहचानना है, यानी कि तीन गलत एक सही है तो सही वाला आपको पहचानना है। पहला दे रखा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, दूसरा दे रखा है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में, तीसरा केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में दे रखा है और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चुरू में दे रखा है। तो बिल्कुल पहला कथन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय उष्ट्रिया ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बीकानेर में। ठीक है, बात करें अश्व अनुसंधान केंद्र, ये बारा में नहीं है दोस्तों, ये भी कहाँ है अपने बीकानेर के अंदर है। ऊंट का और घोड़े का दोनों का जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान है दोनों ही अपने बीकानेर जिले के अंदर है। बात करें केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, चित्तौड़ में नहीं है दोस्तों, ये है अपने सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ के अंदर है जो श्रीगंगानगर में। ठीक है, और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो चुरू में नहीं है, ये है अपने अविकानगर टोंक के अंदर है। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो है बीकानेर में, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में, और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है वो सूरतगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो है अपने अविकानगर टोंक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जाजम प्रिंटिंग के लिए, दूसरा तामचीनी के लिए, तीसरा तीर बनाने के लिए और चौथा है कुंदन कला के लिए। बिल्कुल, तो चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थान है वो तीर बनाने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है, तीर बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्थान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो जाने जाते हैं, जो प्रसिद्ध है, वो है एक तो चंदू जी का गढ़ा और दूसरा है बोडी गामा, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं सालर के जंगल पाए जाते हैं, बिल्कुल सालर वन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से जिले दे रखे हैं हमें, तो बिल्कुल पहला दे रखा है भरतपुर दौसा सीकर और नागौर, दूसरा है टोंक सवाई माधेपुर धौलपुर, तीसरा है कोटा बूंदी झालावाड़ और बारा, और चौथा है अलवर उदयपुर सिरोही और अजमेर जिले। तो सालर वन है वो मुख्यतः है जो पाए जाते हैं बिल्कुल अलवर उदयपुर सिरोही और अजमेर जिलों में पाए जाते हैं। तो अपना कौन सा हो जाएगा, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगर आपको सालर वन पूछेगा कौन से क्षेत्र में है मुख्यतः, तो अलवर उदयपुर सिरोही और अजमेर जिलों में। ठीक है, बात करूं अगले क्वेश्चन की तो बिल्कुल थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल आपको उष्ण कटिबंधीय पूछा है, जो मरुस्थलीय जलवायु है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना इड ई EDSD। बिल्कुल, और इसमें मुख्यतः जिलों की बात करूँ तो कौन कौन से जिले आते हैं इड में, तो बिल्कुल हो जाएगा अपना एक तो जैसलमेर हो गया, एक हो गया अपना बाड़मेर हो गया, बिल्कुल एक हो गया अपना पश्चिमी जोधपुर भी इसी में आता है, और एक आता है अपना दक्षिणी बीकानेर। तो ये चार जिले हैं वो मुख्यतः जो EDSD है इस क्षेत्र में जो थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है। बिल्कुल ये प्रथा से संबंधित पूछा गया, सागड़ी प्रथा क्या है, तो पहला है बंधुआ मजदूरी प्रणाली, दूसरा शादी की परंपरा, तीसरा राजस्व संग्रह का प्रकार और चौथा है एक विशेष प्रकार का कर। तो राजस्थान राज्य में प्रचलित जो सागड़ी प्रथा है वो है अपनी बंधुआ मजदूरी, यानी कि एक प्रकार की क्या है, बंधुआ मजदूरी है, जिसे हम अपनी भाषा में या राजस्थान में क्या कहते थे उस टाइम, सागड़ी प्रथा कहते थे। बिल्कुल, जो वर्तमान में बंद है लेकिन प्राचीन जो राजा महाराजाओं के समय वे चलती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि पन्ना दाई ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई। तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। तो पन्ना दाई ने अपने जो बेटे है चंदन है उसका बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की वो जान बचाई थी। बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जहांगीर ने दल खम्बन नहीं है दोस्तों, दल थम्बन या सेना के नियंत्रण की उपाधि किसने दी थी। बिल्कुल, सेना के नियंत्रक की उपाधि वो किस महाराजा को दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन है अपने पास सूर सिंह, गज सिंह, मलिक अंबर और मनोहर दास।
दोस्तों, जहांगीर ने दल थम्बन वे सेना के नियंत्रण की उपाधि अपने महाराजा गज सिंह को दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है। ऑप्शन है अपने पास मेहरानगढ़, भैंसरोड़गढ़, तारागढ़ और जालौर। तो मेहरानगढ़ बिल्कुल चिड़िया टोक पर है, तारागढ़ अजमेर वाला गढ़ बिटली बिल्कुल ये भी जो है पहाड़ी पर बना हुआ है, जालौर का किला भी पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है वो पहाड़ी किला की श्रेणी में हो नहीं आता। तो बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा बी, भैंसरोड़गढ़ का किला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है, अपने को पहचानना है कि इनमें से कौन सा है त्यौहार है वो जैन त्यौहार नहीं है। तो बिल्कुल पहला है दस लक्ष्मण पर्व है, दूसरा है महावीर जयंती, तीसरा है सुगंध दशमी पर्व है और चौथा है बड़ी सातम। तो बिल्कुल जैसे दस लक्षण पर्व है वो बिल्कुल जैन त्यौहार है, महावीर जयंती भी जैन त्यौहार है और सुगंध दशमी भी जैन त्यौहार है, लेकिन बड़ी सातम है वो अपने हिंदू त्यौहार में मतलब किस श्रेणी में आता है। बिल्कुल तो अपना आंसर हो जाएगा बड़ी सातम, बाकी सारे जैन त्यौहार हैं। बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गेटोर स्थित कछावा शासकों की छत्रियां किस किले की तलहटी में मिलती है। बिल्कुल जो कछावा अपने आमेर के शासक थे, जयपुर के शासक थे, उनकी जो छत्रियां हैं वो गेटोर में बनी हुई है और गेटोर में पूछा गया है कि कौन सी किले की तलहटी में है। बिल्कुल तो ये है अपने नारगढ़ किले की, नारगढ़ किले की जो जयपुर में है उसकी तलहटी में है अपने गेटोर, एक जगह है जहाँ पर आमेर के कछावा शासकों की क्या बनी हुई है, छत्रियाँ बनी हुई है। तो बिल्कुल ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।